देखो बी ऑन टाइम, पिछली बार की तरह लेट मत आना। आई एम गोइंग टू काउंट यू इन। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई नो इट्स अ वीक डे, फिर भी मैंने अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया है। ज़ारा इज गोइंग टू बी देयर। अबाउट सोहा आई एम नॉट सो श्योर, उसका बेबी भी बहुत छोटा है। तुम बोलो। बस आप खुश रहें, यही देखने आई थी। भाई भी 1 बजे तक आ जाएंगे, हालांकि काफ़ी बिजी हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं। आज सब लोग सुबह सुबह ही उठ गए, आपकी शादी में भी इसी तरह सुबह सुबह उठ गए थे। कितनी प्यारी लग रही थी ना आप, माशाल्लाह। आ गई तुम्हारे भाई की कॉल, याद आ गई है ना मेरी। हेलो, मुबारक हो आपको। जी आपको भी। आज रात की तैयारियां हो रही हैं बस, तुम बोलो। कोमल, मैं नहीं आ सकूंगा। I'm so sorry, पर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। अगर मैं वापस आ गया तो हाथ से निकल जाएगी। हम अगले हफ्ते करते हैं। भाभी, क्या हुआ? वही किया तुम्हारे भैया ने जो उसको करना होता है हमेशा। मेरे किसी दिन की कोई अहमियत नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो इस घर के लिए मरी जा रही हूँ। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुने। भाभी भाई आ जाएंगे। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। भाभी ने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? भाभी, यार खैर, इन्होंने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया है? अब ये दरवाजा सिर्फ साहब जी खुलवा सकते हैं। आप तो अभी यहाँ पर आई हैं ना, आपको नहीं पता कि बाजी को जब गुस्सा आ जाता है ना तो वो किसी की नहीं सुनती। अब साहब जी को फोन मिलाएं और उनसे कहें कि वो फौरन आ जाएं। Yes, भाई आपने ये क्या गजब किया है? भाभी ने अपने आप को कमरे में अंदर लॉक कर लिया है और वो चीजें तोड़ी हैं। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए हैं और आई डोंट नो उनका मूड कब ठीक होगा। भाई प्लीज वापस आ जाएं, सिर्फ 2 घंटे के लिए आ जाएं प्लीज। कुछ नया है? नहीं ना, ऐसे ही करती है। थोड़ा वक्त तो ठीक हो जाएगी और वैसे भी उसके पास वो नूरी के पास है ना चाबी कमरे की, खोल देगी दरवाजा। परेशान मत हो। चलें। ओके नूरी, आपके पास चाबी है? वो नूरी सर क्या हिला रही हो, जाओ जाके चाबी ढूंढो, दरवाजा खोलो। जी भाभी, भाभी, आओ भाभी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? भाभी भाई बहुत परेशान है, हम आपको कॉल करें, मेरी उनसे बात हुई है। मैं कोई हाथापाई नहीं करना चाहती यहाँ पे, मुझे मजबूर मत करना। निकलो यहाँ से, जाओ, किसी से बात नहीं करना चाहती मैं। भाभी मेरा क्या कसूर है? अपने भाई की वकालत करने आई हो ना तुम। एक काम करो, तुम सब रहो इस घर में, मैं चली जाती हूँ। तुम सबको तो मेरी परवाह है नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ। भाभी मेरे पास आइडिया, आप क्यों नहीं जाके लाहौर भाई को सरप्राइज कर दें? क्योंकि मुझे किसी के जूते चाटने का शौक नहीं है। भाभी बहुत अच्छी टिकट मिल रही है, मैं आपके लिए टिकट बुक कराऊंगी। आपको बस अच्छा तैयार होना है और भाई के पास जाना, उन्हें सरप्राइज देने। प्लीज जिद नहीं करें। अपने ये बचकाना आइडियाज ना अपने पास रखो। चलो यहाँ से, निकलो, आउट। आज जिंदगी आउट।